एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इंडियन आइडल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंडियन आइडल में नया मोड़, फिनाले से पहले पवनदीप समेत सभी कंटेस्टेंट भेजे गए अपने घर। ये है वजह जी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ समझाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, इंडियन आइडल से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों आपको बता दें, सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में इस बार कई बेहतरीन कंटेस्टेंट्स आए जिन्होंने दर्शकों को अपने गानों से खूब लुभाया। लेकिन आए दिन ये शो किसी न किसी विवाद में फंस ही जाता है। वैसे शो की शूटिंग कोरोना के चलते दमन में चल रही थी, लेकिन अब उसे पूरी करके सारे कंटेस्टेंट्स मुंबई लौट आए हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि मेकर्स ने सभी बचे हुए कंटेस्टेंट्स को अपने घर जाने को कहा है। ये बात सुनकर दर्शक हैरान तो जरूर हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। साथ ही बता दें, वोट देने की अपील, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सच है कि मेकर्स ने सभी बचे हुए कंटेस्टेंट्स को घर भेज दिया है। जल्द ही इस शो का फिनाले भी होने वाला है। ऐसे में वो चाहते हैं कि सभी अपने घर जाएं और वहां पर लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील करें। वैसे देखा जाए तो आप इस फिनाले का कैंपेन भी कह सकते हैं। इसके अलावा सभी सिंगर्स को लोगों के बीच से वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को भी कहा गया है। साथ ही बता दें, कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने सभी शूटिंग पर रोक लगा दी है, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में पूरी टीम दमन से मुंबई लौट आई है। इसके अलावा बैक टू बैक दो एपिसोड की शूटिंग होने से कंटेस्टेंट्स भी थक गए हैं, जिस वजह से उन्हें आराम और प्रैक्टिस के लिए ब्रेक दिया गया है। साथ ही सभी को घर भेज दिया गया है। आने के बाद उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा और साथ ही बायो बबल में शूट की शुरुआत होगी। जी हां दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सीजन का विनर कौन बनेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।